डॉक्टर रसुल्लाना माहिर मुराद लाल कांगला आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग देगा कि आज का जो बरसात का मौसम है, हवा में नमी बहुत है, बारिशें हो रही हैं, कानों में जो वैक्स होती है उसके साथ कान में अक्सर मरीज जो है जी साढ़े कान से दर्द हो गया है, हमारे कान में पेन हो रहा है, तो जब देखते हैं चेक करते हैं तो कान में जो वैक्स होती है अक्सर वो फूल गई होती है, वो वहाँ पर प्रेशर से कान में दर्द पैदा करती है। उससे बाद मरीज का बात करते हैं कि हमारे कान बंद हो गए, कान सुनता ही नहीं है। और बाज़ औक़ात और ज़्यादा मसला जो क्रिएट होता है वो फंगस से होता है। फंगस जो है वो उल्ली को कहते हैं, इस किस्म की चीज़ होती है कि जिससे कान में पेन शुरू हो जाता है। अब फंगस जो है वो बड़ी ज़ालिम सी चीज़ है, उससे कान के पर्दे में सुराख भी हो सकता है। तो लेट कॉम्प्लिकेशन फंगस की ऑटोमाइकोसिस जिसको हम कहते हैं, इसके मतलब हमारी जो ENT की कॉन्फ्रेंस लाहौर में मैंने 3rd साल ENT कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़द कराई, जिसमें प्लेंटी ऑफ ENT सर्जन दे केम एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी अच्छी उन्होंने डेलीब्रेशन दी कि उधर श्रीलंका में क्या हो रहा है, आजकल मौसम है वहाँ भी इसी तरह का, हवा में नमी है, बारिशें हैं, बांग्लादेश में भी बारिशें हैं, हवा में नमी है, दरियाओं में तो या नहीं है, इसी तरह इंडिया में भी अगर आप देखा जाए तो वहाँ भी आलमोस्ट इस जैसे ही बेहतर है। दिल्ली में ऐसे ही है, मैं दिल्ली में गया हूँ जब 5th साल कॉन्फ्रेंस थी, ये देख सकते हैं 5वीं साल कॉन्फ्रेंस जिसका मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और उसके बाद मुझे मौका मिला कि इफ्तिताह के बाद जो पहला इनॉग्रल सेशन था उसका जो साइंटिफिक सेशन था उसको मैंने चेयर किया। मेरे साथ इंडिया के ENT के प्रेसिडेंट प्रोफेसर वेंकट और दूसरी तरफ एडमिरल VK सिंह DG आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है कि जब आप किसी साइंटिफिक सेशन को चेयर करें, उसमें मेरा रोल एज ए कैप्टन, जैसे टीम का कैप्टन खिलाता है पूरी टीम को, तो उसमें एक कंक्लूजन यही था कि कान जो है वो आजकल के मौसम जो चल रहा है बरसात का, इनको आप खुश रखें, ट्राई टू कीप दम अवे फ्रॉम द जूसी मॉइस्चर। जितना मॉइस्चर जाएगा उतने फिर कान के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बेसिकली तो वैक्स जो है इट इज़ द डिफेंस ऑफ द ईयर। ये भी 5th साल कॉन्फ्रेंस जो हमारी दिल्ली में थी उसमें उन्होंने बताया कि वैक्स को वैसे अपने जेल के ऊपर सवार ना करें, वो तो हर शख्स से कान में मौजूद है, बल्कि होनी चाहिए उससे कान में प्रोटेक्शन है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं, उसमें ऐसी स्मेल है जिससे कीड़े मकोड़े बाहर भाग जाते हैं, अगर वो चले जाएँ तो जरासीम वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इट्स वेरी गुड, इट इज़ बेसिकली समथिंग लाइक द आर्मी ऑफ द ईयर। वैक्स को बगैर मकसद की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और कान में जो कॉटन वाड है ये गलत है, कॉटन वाड चाबी मारना या फिर वैसे कह रहे हैं चलो ये तेल पालो, आजकल हमारे जो ये सारे मैंने देखा है, इंडिया में भी मैं गया हूँ, दिल्ली में अक्सर जो मुझे मौका मिला है वो तेल बहुत इस्तेमाल होता है, वो कान में तेल डालने से नुकसान हो जाता है। ये उनका जो एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पर मैंने अक्सर मरीज जो मुझे मौका मिला, क्योंकि प्रोफेसर डेकर जो थे वहाँ के डीन थे इंचार्ज, वो ENT के प्रोफेसर थे, मैं उनका गेस्ट था फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस साइड, उन्होंने हमें जाके ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया, चीज़ें भी दिखाई, और उसके साथ उन्होंने यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो वही हैं, दिल्ली के ENT के मसले वही हैं जो लाहौर के हैं, लाहौर दिल्ली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ बता जो हॉस्पिटल है वो पुराना बना है, ये मेयो हॉस्पिटल जहाँ मैंने काम किया है, ये पहला हॉस्पिटल था इस खत्ते में, जो अंग्रेज़ आए बाहर से उन्होंने सबसे पहले मेयो हॉस्पिटल बनाया और एक साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बनाया जो मच ओल्डर दैन दिल्ली। इंडिया में वो बाद में गए इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट बाद में शुरू हुई, यहाँ वो पहले आए 1849 में, उन्होंने सिखों से लड़ के ये हुकूमत ली थी। ये पंजाब जो था जब उनके पास आया तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया किंग एडवर्ड, जो आज भी बड़े सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से डॉक्टर माशाल्लाह ग्रेजुएट होकर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाते हैं, UK में जाते हैं, दे एंजॉय ए बिग रिस्पेक्ट, उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है, उनका एक स्किल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बात चली थी कि कान में छेड़छाड़ नहीं करनी, कान में अननेसेसरी कोई मेडिकेशन किसी ने वैसे ऐ जी कान के कतरे पालो, भाई उसको पता है कि पता नहीं कान में है क्या, ये मतलब एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी ये जितनी कॉन्फ्रेंसेस थी, पहली कॉन्फ्रेंस ये आप देख सकते हैं ढाका में थी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दैट, उसमें उन्होंने ये कहा कि कान जो है ये एक बड़ी ही सेंसिटिव जगह है, इसमें बगैर मकसद की छेड़छाड़ ना करें, जब इसमें आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, चाबी घुमाना शुरू कर देते हैं, कोई कॉटन बर्ड से इसको छेड़छाड़ होती है तो इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं।
मैं यही आज को कहूंगा कि कान के लिए फिर कहा जाता है अगर ये खराब हो जाए, ट्रीटमेंट ऑफ ईयर टेक्स ईयर्स, कानों का इलाज फिर सालों का इलाज है। ये वो ऐसी बस्ती है अगर उजड़ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से बस्ती है। इसके ऊपर हमारी अमेरिका की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जो वाशिंगटन डीसी में हुई, वहाँ भी ये मैं आप डेलीगेट के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने भी कहा था कि कान को हत्तर बस आप खुद मैनिपुलेट ना करें। थैंक यू वेरी मच।